नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज। दोस्तों, आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जिसके अंदर जो बाइक खड़ी हुई है इसे अभी फिलहाल मुंह ढका चोर जो है वो चोरी करके ले जाएगा। और सबसे पहले हम आपको ये फुटेज दिखा रहे हैं और जिनकी ये बाइक है उनसे भी जो है बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि चोरों के हौसले बुलंद कैसे हैं। घर के बाहर खड़ी बाइक को चोरी जो है ये कर रहा है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिलहाल इशारा भी इसने किसी को किया है। मैं आपको एक फुटेज दिखा रहा हूँ जो कि करनाल के ही रामनगर इलाके की है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसे फिलहाल यहाँ से ये चोरी करके लेकर जा रहा है। और पहले इसका जो हैंडल है फिलहाल देख लीजिए, उससे वो जो है खोल कर और यहाँ से लेकर जा रहा है। और यहाँ पर जिनकी बाइक है उनसे बात करने का प्रयास जरूर करेंगे। इसके अलावा एक फुटेज और है, आप देख रहे हैं स्प्लेंडर बाइक को लेकर गया है जो कि दूसरी वीडियो है, वो हम आपको बाद में दिखाते हैं। और पहले आप उन शख्स की तस्वीर जो है वो देख लीजिए, सामने खड़े हैं और फिलहाल इन्हीं की बाइक को करनाल के रामनगर इलाके से लेकर चला गया। और आप समझते हैं लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ नहीं है, प्रशासन का चोरों में खौफ नहीं है। बात करते हैं, भैया क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सर जी। तो ये कौन सी जगह है? ये रामनगर सर। रामनगर है। तो ये कब चोरी हुई थी आपकी बाइक और कैसे? सर ये 28 तारीख को मैंने रात को यहाँ पे खड़ी करी अपने घर के सामने। मेरी तबीयत खराब थी तो मैं ऊपर जाके लेट गया। तो सर सुबह उठ के जब हमने देखा कि हमारे घर के पास बाइक खड़ी नहीं। रात को कितने बजे खड़ी की बाइक आप? सर जी रात ये कल 28 तारीख को सारा दिन ही खड़ी सर जी। रात बाहर ही खड़ी होती है हमेशा? हाँ बाहर ही खड़ी करते हैं सर। बाहर ही खड़ी रहती है, अंदर खड़ी करने की जगह नहीं? नहीं, कल सर उसी दिन मैंने खड़ी करी थी, वरना अंदर ही करता हूँ सर। जैसे अंदर ही खड़ी? अंदर ही करते हैं सर जी। तो ये आपने कितने बजे आए बाइक खड़ी की आपने? सर जी ये सारा दिन ही खड़ी थी मैंने, 2 बजे करीब। अच्छा, दोपहर से ही दोपहर को खड़ी करी थी बच्चों को स्कूल से लाने के बाद सर। उसके बाद ये रात को भी खड़ी थी। तो रात को सर जी मैं ऊपर जाके सो गया तो उसके सुबह उठ के देखा सर जी मिली नहीं बाइक। तो ये जो चोरी हुई है ये कितने बजे के आसपास हुई है सर जी? कम से कम 2:30 के करीब की बात है। रात के 2:30 बजे के आसपास? 2:30 के करीब की रिकॉर्डिंग के अनुसार सर जी। रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डिंग हो रही है कैमरे में सर जी उसमें साफ दिखाई दे रहा है, कैमरा लगा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो चोरी हुई है सामने ही लगा हुआ है ये सीसीटीवी फुटेज कैमरा है जिसमें सारी फुटेज जो है फिलहाल आ गई जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और ऐसे ही लोगों से हमेशा निवेदन करते हैं कि कम से कम सीसीटीवी फुटेज आप जरूर लगाएं ताकि हादसा कब हुआ कैसे हुआ उसकी जानकारी तो कम से कम जरूर लग पाए। तो आपने इसकी कंप्लेंट करवाई है? हां जी सर जी, कहां पे? रामनगर थाने में कंप्लेंट कराई है। रामनगर थाने में FIR करवा दी है? बिल्कुल करा रखी है। तो आपकी बाइक का नंबर क्या है, नंबर बता दीजिए अगर? वैसे तो एक हफ्ता हो चुका है इस पूरे हादसे को, नंबर क्या है आपकी बाइक का? मेरी बाइक का नंबर सर जी H R 05 AV 3668 है। 3668। और मैं आपको बता दें FIR भी इनकी करवा दी गई है, हालांकि दूसरी फुटेज भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे जिसके अंदर दो लोग दिखेंगे। कुल दो लोग थे इसके अंदर सर जी? दो लोग हैं। एक सर जी अंदर गली के अंदर खड़ा, एक बाहर खड़ा इशारा कर रहा। दूसरा किस पे था? वो भी बाइक पे था? किस? नहीं वो पैदल ही सर जी दोनों। अच्छा वो पैदल? दोनों ही पैदल हैं सर जी। तो यहाँ पर मतलब क्या लगा, रेकी वगैरह कुछ आप कभी देखा कभी किसी को ऐसे किसी को शक हुआ हो? पहली बार देखे सर जी, हमको लग तो रहा नहीं यहाँ के। अच्छा दूसरे व्यक्ति ने भी मुंह ढका हुआ है? नहीं सर जी, उसका मुंह साफ आया, उसका पूरा चेहरा आ रहा है? चेहरा दोनों के साफ आ रहे सर जी दोनों के। दूसरे ने तो ढका हुआ था काले कपड़े से? हाँ जी, नहीं थोड़ा बांध रखा सर जी उसने। दूसरे ने नहीं बांध रखा? दूसरे ने नहीं, उसका चेहरा आ चुका, उसका चेहरा सामने आ रहा था। पुलिस को दे दी फुटेज आपने? फुटेज दे रखी है सर जी, दे रखी है। हाँ जी हाँ जी। तो बता दें आपको हम दूसरी फुटेज जो है, दूसरी फुटेज हम आपको पहले दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और बकायदा बात भी करेंगे कुछ लोगों से। आप देख रहे हैं इसके अंदर जो दो लोग हैं, ये दो लोग हैं जो बाइक को फिलहाल चोरी करने के लिए आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ये रेकी करते हैं, देखते हैं कहां पर किस व्हीकल को कैसे चोरी किया जा सकता है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि फिलहाल जो फुटेज मैं आपको दिखाने की कोशिश जो है फिलहाल कर रहा हूँ, इस फुटेज के अंदर आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति है, मैं इसकी फुटेज को थोड़ा सा आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अभी भी फिलहाल वहीं पर फिलहाल खड़े हुआ है। ये व्यक्ति बाहर इंतज़ार कर रहा है। ये बाहर की सड़क है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बाहर की सड़क है। और ये देख लीजिए, ये युवक अब अंदर गया है इस गली के अंदर आप देख रहे हैं, और यहीं से बाइक को लेकर बाहर जो आएगा। मैं थोड़ा सा इसे आगे करके फिलहाल प्रयास जो है फिलहाल करूँगा दिखाने का आपको। और ये देख सकते हैं कि इसे हम आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके दिखा रहे हैं और ये उसके बाद बाहर की ओर ये आएगा। और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति भी खड़ा है, देख लीजिए ये बाइक को लेकर बाहर आया है इसे पैदल चलाकर, और उसके बाद जो है इसे ये स्टार्ट करके लेके जाते हैं इसे। हाँ जी सर जी, स्टार्ट करके यहाँ से लेकर जो है जा चुका है। और ये काफ़ी हैरानी की बात है, आपको बता दें कि लगातार स्प्लेंडर बाइक की चोरी की काफ़ी सारी वारदातें सामने आ रही हैं। और बता दें कि जितनी भी बाइकें चोरी होती हैं
हालांकि देख लीजिए काफी देर तक मशक्कत करता रहा इस व्यक्ति का, चेहरा भी आ गया, इसने अपना जो परना था उसे फिलहाल अपने चेहरे से उन्होंने उतार दिया और इसकी फिलहाल चेहरा भी आ रहा है और दूसरे व्यक्ति का भी चेहरा यहाँ पर आ रहा है। दोनों की उम्र ही लगभग 25-26-27 साल के आसपास जो है फिलहाल लग रही है, लेकिन यहाँ पर जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं इसमें लगातार स्प्लेंडर बाइकों की चोरियां हो रही हैं, यानी कहीं ना कहीं उनके जो लॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए इजी रहते हैं ओपन करने। सर यहाँ पुलिस वगैरह कोई आई थी यहाँ पे? सर यहाँ पे कोई पुलिस नहीं आई, ये जैसे वारदात हुई उसका मुआयना करने आती है ना, FIR हमने करवा दिया लेकिन वो एक बार भी देखने नहीं आए, देखने के लिए नहीं आए, यहाँ पे नहीं आए। जी। और फिलहाल यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके से ये चोरी हुई है अभी फिलहाल उम्मीद जो है उन्हें फिलहाल यही है कि उनकी बाइक मिल जाएगी। हालांकि CIA की शाखा जो है वो लगातार बाइकों को पकड़ती रहती है, बाइक चोरों को, और काफ़ी सारी बाइकें जो है वो रिकवर भी होती हैं और उम्मीद है कि इनकी बाइक भी उसमें ज़रूर मिल जाएगी। फिलहाल आप लोगों से ये निवेदन करेंगे अपनी बाइकों, अपनी टू व्हीलर को सेफ जगह पर ही खड़ा करें, क्योंकि चोर घात लगाए बैठे हैं आपकी टू व्हीलर को चोरी करने के लिए। आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक लीजिए। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।